आज मैं इसके आलू और जो साग होते हैं उसके डंठल की सब्जी बनाई हूँ। साग और इसके डंठल की, प्रायः लोग क्या करते हैं ना, साग से डंठल निकाल के फेंक देते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि ये डंठल कितना ज़्यादा उपयोगी होता है सेहत के लिए। ये बहुत ही फाइबरमंद होता है, फाइबर्स होते हैं इसमें जो कि पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत काफ़ी गुणकारी होता है ये। तो इसे मैंने आज आलू के साथ मिक्स करके बनाया है। तो इसमें हमने धनिया, जीरा, मरीच, तेज़पात, थोड़ा सा गरम मसाला और अदरक, हल्का सा लहसुन, हल्का सा प्याज, इन सारे का मसाले का पेस्ट बना के इसे अच्छे से फ्राई किया आलू के साथ। और इन ये जो साग के डंठल हैं इसको अच्छे से पूरा रेड करके फ्राई किया, फिर इसके साथ मसाले को मिक्स करके फ्राई किया। जब मसाला मिक्स हो गया, मसाला भी अच्छे से भुन गया, लाल हो गया, और हमारा तब तक में हमारा ये आलू भी पक गया था, और फ्राई करते करते अच्छे से भूनते भूनते ये पक गया था। फिर हमने इसमें हल्का सा तरी लगाने के लिए, रस लगाने के लिए, कभी रस बोलते हैं, कोई तरी बोलते हैं, कोई झोल भी बोलते हैं इसका, तो उसको लगाने के लिए मैंने पानी मिक्स किया इसमें। और पानी मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से बॉईल किया। पक तो मेरा पहले से ही गया था, मसाला भी पहले से ही फ्राइड था, और तब हमने इसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से पानी डाल दिया है। और नमक भी हमने फ्राई करते समय, चूँकि जब आधा मेरा फ्राई हो गया था ना, तो हमने इसमें नमक डाल दिया जो कि अच्छे से वो पका दे, पक जाए, और फिर नमक भी डाल दिया था। सारे मसाले के साथ इसे भून के हमने पका लिया। अब पानी डाल के पकाया हमने, ये बॉईल हो गया अच्छे से, ये पक चुका है अब हमारा सब्जी, और हम अभी इसे अभी हमारा रेडी है बनाने और खाने के लिए। तो अब हम इसे खाएंगे, ये बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। तो आप भी जब भी घर में साग लाएं तो साग का उपयोग साग में कर लें और उसके डंठल का उपयोग सब्ज़ी में करें, जिससे कि क्या होगा, ये हाइजेनिक भी रहेगा और टेस्ट भी नहीं जाएगा, और आपको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा इसका खा के। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।